हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये क्लास है दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी वगैरह के लिए या उन सभी एग्जाम्स के लिए जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ईमेल। ईमेल से रिलेटेड काफी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पिछले कुछ एग्जाम्स में एसएससी ने पूछे हैं, क्योंकि हमें जो मैटर तैयार करना होगा वो एसएससी के सिलेबस को ध्यान में रख कर करना होगा, दिल्ली पुलिस को नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम एसएससी लेगा। ठीक है, इसलिए हम एसएससी को ध्यान में रख के करेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रतीक है जिसका प्रयोग ईमेल पते में किया जाता है? एट द रेट, ईमेल में एट द रेट लगता है ना, उसी के विषय में है। ईमेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डोमेन नाम है? वैध डोमेन नाम है ये तीनों ही, gmail.com, outlook.com और yahoo.com, ये तीनों ईमेल के ही वो एड्रेसेस हैं, साइट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल पता है? myschool@gmail.com। दिए गए फोल्डरों में से नए भेजे गए मेल खालिस्तान फोल्डर को में संग्रहित होते हैं, ड्राफ्ट। जो मेल भेजे नहीं जाते, लिख दिए जाते हैं, वो कहां संग्रहित होंगे? वो ड्राफ्ट में संग्रहित होंगे। फील्ड प्रेषक के पते को इंगित करता है, यानी जिसमें ईमेल भेजा है। फ्रॉम, ये भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के क्वेश्चन है, जिससे हमें पता लगेगा कि दिल्ली पुलिस जो है एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अधूरे ईमेल को बिना भेजे किसी फोल्डर में स्टोर किया जाता है, ड्राफ्ट। जो ईमेल अधूरा रह जाता है, वो भेजा नहीं जाता, तो सीधी सी बात है वो ड्राफ्ट में स्टोर हो जाता है, जाकर खुद स्टोर हो जाता है, उसे स्टोर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईमेल में खालिस्तान फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, किसे? सब्जेक्ट। ईमेल में खालिस्तान फील्ड उस ईमेल के उद्देश्य को इंगित करता है, सब्जेक्ट। ईमेल का खालिस्तान फील्ड उस ईमेल के प्राप्तकर्ता को इंगित करता है, टू। यानी जहां टू होगा, वहां जो प्राप्त कर रहा है उसके लिए कुछ न कुछ लिखा हुआ होगा ईमेल में। ठीक है भाई, सब्जेक्ट, देखिए पहले पूछा सब्जेक्ट क्या, तो सब्जेक्ट वो है जिसके पर्पज में हमें ईमेल भेजना है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट लिखा जाएगा जिस सब्जेक्ट के पर्पज में हमें ईमेल भेजना, उद्देश्य एज ए, हमारा उद्देश्य ईमेल को भेजने का उद्देश्य क्या है, हमें वो लिखना होगा, और टू किसे भेज रहे हैं। चलिए, ईमेल में जब कोई संदेश प्राप्त करते हैं और मूल प्रेषक और अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं को टू और सी सी लाइनों का नया संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप क्या उपयोग करते हैं? रिप्लाई ऑल। ठीक है, रिप्लाई ऑल। जीमेल में जब आप कोई संदेश प्राप्त करते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति को संदेश भेजते हैं जो टू या सीसी लाइनों पर न हो, तो आप क्या उपयोग करते हैं? फॉरवर्ड। ठीक है, क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को ईमेल के साथ फाइल भेजने की सुविधा देता है? अटैचमेंट। कौन सा? अटैचमेंट। अवस्थित प्राप्तकर्ता सूची में अधिक संख्या में भेजे गए
अयाचित और अवांछित जंक ईमेल को खालिस्तान फोल्डर में संग्रहित किया जाता है। स्पैम फोल्डर में, स्पैम फोल्डर में आप एक खालिस्तान क्रिएट कर सकते हैं जो आपके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक ईमेल को अंत में दिखाई देगा। सिग्नेचर, क्या सिग्नेचर? जीमेल में ब्लाइट कार्बन कॉपी बीसीसी के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है, इसका उपयोग प्राथमिक प्राप्तकर्ता को इसके बारे में पता बिना किए किसी के साथ ईमेल की कॉपी शेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते हैं ना कि भाई एक ही से हम कई लोगों को भेज सके, उसी तरह इसका इस्तेमाल जीमेल में ब्लाइंड कार्बन कॉपी का उपयोग किया जाता है। किसके संबंध में? जो हमने ईमेल भेजा है उसी ईमेल को किसी दूसरे के साथ शेयर करने के संबंध में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ईमेल एप्लीकेशन में खालिस्तान एक ऐसा फोल्डर होता है जो आगमन संदेश को स्वीकार करता है, इनबॉक्स। देखिए जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल जनरल है, नॉर्मल क्वेश्चन है। डिलीट किए गए ईमेल खालिस्तान फोल्डर में पाए जाते हैं, ट्रैश। ट्रैश फोल्डर में जो हम मेल डिलीट कर देते हैं ठीक, वो ट्रैश नामक फोल्डर में पाए जाते हैं। खालिस्तान ईमेल एड्रेसेस का पता भाग, पता एड्रेस का पहला भाग है यूजर नेम। ईमेल एड्रेस का पहला भाग है क्या है भाई? सबसे जब हम ईमेल बनाते हैं सबसे पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं? यूजर नेम का, ठीक है भाई। पहले यूजर नेम होगा, फिर उसका एड्रेस होगा एट द रेट करके, जीमेल है, याहू है, क्या है, और उसके बाद होगा पासवर्ड, ठीक है। ईमेल में अटैचमेंट यानी संलग्न को दर्शाने के लिए खासा आइकन का उपयोग किया जाता है, पेपर क्लिप। पेपर क्लिप का प्रयोग किया जाता है भाई। देखिए ईमेल में अटैचमेंट यानी हम कुछ संलग्न कर रहे हैं, तो हम सामने वाले को कैसे बताएंगे कि हमने इस ईमेल में क्या अटैचमेंट लगाया है या क्या अटैच किया है? कोई कॉपी अटैच की है, कोई फिल्म अटैच की है, या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग अटैच की है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हम पेपर क्लिप का प्रयोग करेंगे अटैचमेंट को दर्शाने के लिए। चलिए, एक सेवा में जो हमें एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देता है, यह लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का एक कुशल और मितव्ययी और समायोजित साधन प्राप्त करती है, ईमेल। देखिए, एक सेवा जो हमें एक अद्वितीय पते पर पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा देता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड पर संदेश भेजने की सुविधा देता है, या लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का एक कुशल मितव्ययी और समायोजित साधन प्राप्त करती है। ईमेल एक समायोजित साधन है, ईमेल एक समायोजित साधन है। निम्नलिखित में से कौन से घटक में ईमेल प्राप्त होता है और वहां उसे प्रबंधित किया जाता है, इनबॉक्स। निम्नलिखित में से कौन से घटक में ईमेल प्राप्त होता है और वहां उसे प्रबंधित किया जाता है? प्रबंधित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही क्रम है? पहले आपका यूजर नेम होगा, फिर पहले यूजर नेम किया, फिर एट द रेट, उसके बाद डोमेन नेम। डोमेन नेम यानी साइट का नाम, किस साइट पे, गूगल पे है, याहू पे है, जीमेल पे,
किस पे हम ईमेल एड्रेस बना रहे हैं। भाई शुरुआत में यूजर नेम लिखेंगे, उसके बाद एड्रेस लिखेंगे एट द रेट करके, और उसके बाद डोमेन नेम होगा। निम्नलिखित में से क्या ईमेल एड्रेसेस का एक कंपोनेंट घटक नहीं है? ईमेल एड्रेस का एक घटक नहीं है सिस्टम नेम। यह जरूरी नहीं है कि सिस्टम नेम कोई घटक नहीं है, बट डोमेन नेम भी है, यूजर नेम भी, एट द रेट एक चिन्ह भी है। लेकिन सिस्टम नेम क्या है? सिस्टम नेम तो कुछ भी नहीं है, बस सिस्टम नेम तो वो है, उसका नाम है जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं, उसका क्या नाम है, इससे तो कोई ईमेल का कोई संबंध नहीं बैठता कि हम किस उस पर काम कर रहे हैं सिस्टम पे। ईमेल भेजने के निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? सेंडर ईमेल आईडी। देखिए मेन चीज क्या है, हम अगर हमें अगर किसी को ईमेल भेजना है तो हमें उसकी ईमेल आईडी का पता होना चाहिए। अब वही ईमेल भेजने निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? बोर्ड अनिवार्य है कोई नहीं, सेंडर नेम, सेंडर मेल आईडी, अटैचमेंट सब्जेक्ट। अरे सब्जेक्ट अटैचमेंट वगैरह तो हम ही करेंगे, लेकिन उसे भेजेंगे कहां? भाई हमें जिसे भेजनी है उसका ईमेल एड्रेस, उसका नाम, की आईडी क्या आईडी है, किस आईडी पर हम उसे भेज रहे हैं, उसका पता होगा, हम तभी तो भेज पाएंगे उसे। ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? रिक्त स्थान की। जो हम ईमेल आईडी बनाते हैं, मान लो हम ईमेल आईडी बना रहे हैं, ठीक है, इन्होंने क्या कहा है कि ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी अनुमति नहीं है? हमें ईमेल आईडी नहीं gk@gmail.com, ठीक है, तो हम जी और के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, या एट द रेट के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अगर ऐसी आईडी है तो वो मान्य नहीं होगी, यही कहा रिक्त स्थान जो स्पेस है वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? कूल मेल। देखिए याहू मेल, हॉट मेल, जी मेल, कूल मेल कुछ नहीं है, कूल मेल केवल एक नेम है। चलिए आगे चलते हैं। ई मेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? पेपर क्लिप आइकन, पेपर क्लिप आइकन। देखिए वहां पूछा था आपसे कि किसका, भाई आपसे पूछा था कि ईमेल में अटैचमेंट संलग्न कर को दर्शाने के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है। यहां क्या पूछा? ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए निम्नलिखित में किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? वहां खाली ताने दिया, ब्लैंक स्पेस नहीं दिया, केवल आपसे डायरेक्ट पूछ लिया, ठीक है। एग्जामिनर केवल इतना ही डिफरेंस करेगा, जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर, वो केवल इसमें इतना डिफरेंस करेगा कि आपको उसी बीच में घुमाया जा सके, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन वहां पुटअप करने होंगे, तो पुटअप करने में हमारा ध्यान बटेगा, ध्यान बटेगा। एग्जामिनर यही चाहता है कि एक क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा समय लग सके, और हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन में कम से कम समय दे और हम ज्यादा से ज्यादा कर सके, इसलिए क्वेश्चन को रटने की वजह से समझने की, देखिए रटना तो थोड़ा बहुत तो रटना पड़ेगा, लेकिन उसे समझना भी पड़ेगा हमें। कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर में दूसरे सर्वर पर संदेश भेजने के लिए खालिस्तान प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं, SMTP, SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, बिल्कुल ठीक है। ईमेल आईडी में अपर केस बड़े और लोअर के छोटे अक्षरों में के छोटे अक्षर एक साथ नहीं हो सकते, हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, बड़े अक्षर ही बड़े अक्षर होंगे, छोटे अक्षर नहीं, छोटे अक्षर भी हो सकते हैं। ईमेल आईडी में डॉट
करैक्टर का उपयोग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। भाई ईमेल डॉट कॉम लिखेंगे ना तो ईमेल हमने डॉट का कर दिया, तो ईमेल आईडी आमतौर पर केस संदेश होती है, नहीं होती। ईमेल आईडी कोई केस संदेश नहीं होती, एक एड्रेस होती है हमारा, एक पता, हमारी एक पहचान कि हम कौन है, हमें क्या है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमारा एड्रेस है वो ईमेल आईडी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? प्रोटोकॉल पीओपी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करेगा पीओपी। निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? डोमेन नेम। ठीक है भाई, डोमेन नेम, देखिए पहले बता था यूजर नेम, एट द रेट और फिर डोमेन नेम, लास्ट में आता है डोमेन नेम। ईमेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईमेल में अटैचमेंट के रूप में पीसीएफ पीडीएफ और दोनों एक साथ नहीं हो सकते, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अटैचमेंट के रूप में पीडीएफ नहीं हो सकते हैं। ईमेल में डबल सी फील्ड हो सकती है, नहीं हो सकती? हाँ डबल सी फील्ड हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल यही करेक्ट है। ईमेल में टी ओ फील्ड खाली नहीं हो सकते, ईमेल में पांच से अधिक नहीं हो सकते, में पांच से अधिक नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते, कुछ बताया तो है ही नहीं। ईमेल एड्रेसेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईमेल एड्रेसेस में उपभोक्ता के नाम और डोमेन नेम को एक एट द रेट चिन्ह द्वारा दूसरे से अलग किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। एक ईमेल समांतर आईडी के रूप में होता है, बिल्कुल ठीक है।